special trailer preview of Bareilly Ki Barfi was held at the Light Box. Bareilly Ki Barfi, by its very name, suggests that it has a very rustic Indian feel to it. And by the recently launched trailer, this idea is justly reinforced. Starring Ayushmann Khurrana, Kriti Sanon and Rajkumar Rao, the film is a romantic comedy rooted in the subculture of the North Indian city, Bareilly. Directed by Ashwini Iyer Tiwari, whose previous venture Neel Bhatte Sannata won hearts of both critics and public, this film promises to portray semi-urban household relationships in crude and realistic settings. Bareilly Ki Barfi has been written by Ashwini's husband and Dangal director Nitesh Tiwari, along with Shreyas Jain. The film seems to have a French connection, as told by Ashwini. मैं निलपट्टे फिनिश कर रही थी और लास्ट ईयर शूट था और हम वापस आ रहे थे दिल्ली एयरपोर्ट से, आगरा से दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे. तो क्या होता है जब आप कंटिन्यूसली दो महीने के लिए शूट कर रहे हो और उसके बाद दिमाग चलता नहीं है, बट फिर भी एज क्रिएटिव पीपल आई थिंक एनी वन ऑफ अस जाके बुक स्टोर में देख लेते हैं कुछ मिल रहा है कुछ है क्या. तो मैंने ऐसी दो तीन बुक्स उठाए और उसमें से ये एक बुक था, इट वॉज कॉल्ड इंग्रीडियंट्स ऑफ लव. फ्रेंच बुक है, पता नहीं कहाँ से आ गए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, निकाला मैंने और मैं तीन बुक्स में से नींद नहीं आ रही थी फ्लाइट में, तो पढ़ना चालू किया मैंने. और पढ़ते पढ़ते मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो बहुत अच्छा है. एक पिक्चर ख़त्म हो गई, मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ तो बात है. घर पे आई मैं, इंस्टेड ऑफ लाइक रिजॉइसिंग दैट मैंने शूट ख़त्म किया, मैं ये बुक पढ़ रही हूँ. और अगले दिन हम हॉलीडे में जा रहे थे तो नितेश ने मुझे पूछा कि तुम ऐसे ये क्या पढ़ रही हो जो इतना, मतलब तुमने सब छोड़ दिया है. तो आई सेड सी यार दिस बुक इज़ वेरी नाइस, व्हाट डू यू थिंक, यू ऑल्सो रीड इट. एंड उसने ठीक है पढ़ता हूँ, क्योंकि हम वेकेशन में थे, ही ऑल्सो रीड इट, वॉज वेरी क्विक रीड, दो दिन में आई थिंक ख़त्म कर दिया. एंड ही लुक्ड एट मी एंड टोल्ड मी एक लाइन अच्छा है इसमें, इसके ऊपर पूरी पिक्चर बननी चाहिए. तो एक लाइन से हमने, बिकॉज फ्रेंच बुक है ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा हमको, पर एक जो चीज़ उसमें था वो बहुत अच्छी थी, तो वहाँ से फिर हमने पूरे कैरेक्टर्स और पूरी अपनी स्टोरी बनाई. And Ayushmann also talks about his role in the film, which is going to be very different this time. I think ये मेरे लिए काफ़ी अलग थी, क्योंकि आई एम प्लेइंग अ बुली इन द फिल्म. मतलब मैं आज तक बहुत ही सिंपल और स्वीट लड़का प्ले किया है इसमें, मैं उसको कभी टपली मार रहा हूँ, कभी उसको बुली कर रहा हूँ, उसे काम करवा रहा हूँ. तो आई थिंक दिस वॉज वेरी डिफरेंट फॉर मी एज अ कैरेक्टर, बिकॉज आई थिंक कभी कभी आप लोग अपने नेचुरल कैरेक्टर से कुछ निकल कर कुछ करना पड़ता है, तो वो एक फिल्म इस फिल्म में है. अश्विनी ऑल्सो रिवील्ड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट आयुष्मान इन हिज कैरेक्टर, व्हिच यू हैव गॉट टू हियर. आयुष्मान इज नॉट द सिंपल बॉय इन दिस फिल्म, सो फॉरगेट दैट. Forget that. He actually has done something. You have to wait. Done something where every time he should only, he has to come and tell me, "Yar, मैं इतना नहीं, इतना बुरा नहीं हो सकता, इतना कमी नहीं हो सकता, क्या मतलब नहीं यार, मतलब क्यों बुरे, it's not बुरा, but he's not कमीना. Person कमीना है नहीं ना, वो कर नहीं सकता. मैं बोला यार कर लो, कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा. So, it's Bareilly Ki Barfi this time, which we've got to look forward to on the 18th of August.